कलेक्टर साहब महोदय अजमेर से अशोक हमारे यहाँ लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से एक निवेदन किया है, एक सिफारिश किया है कि इस दरगाह के उर्स के अंदर रात्रि के अंदर सायरीनों को और सभी लोगों को अंदर दरगाह में रहने की अनुमति प्रदान की जाए और इसमें थोड़ी सी छूट दी जाए। अजमेर देहात जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। ख्वाजा साहब के उर्स के दौरान चादर पेश करने और दरबार को रात में भी खुली रखने के साथ जायरीनों के प्रवेश की मांग। अजमेर देहात जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स में दरगाह को पूरी रात खुली रखने और दरबार में आस्था के प्रति चादर पेश करने के आदेश जारी करने की मांग रखी है। मोहम्मद महमूद खान ने बताया कि वर्तमान में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा होने की वजह से रात को दरगाह में होने वाली रसूमातों में देश भर से आने वाले जायरीन शामिल नहीं हो पा रहे। साथ ही चादर पेश करने पर भी पाबंदी लगाई हुई है, जिसके चलते जायरीनों की आस्था पूरी नहीं हो रही। लिहाजा अकीदतमंदों की आस्था को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रात के कर्फ्यू में ढील देते हुए चादर पेश करने की इजाज़त दें। विश्व प्रसिद्ध दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज से शुरू हो गया है और इस उर्स में रात्रि के अंदर दरगाह में रहने के लिए मनादी है और पूरे 10 बजे बाद शायद सभी जगह पर कर्फ्यू लग जाता है। तो इस उर्स की विशेषता यह है कि इसमें जितने भी कार्यक्रम होते हैं, दरगाह के अंदर महफिल होने का प्रोग्राम, अंदर मज़ार शरीफ का गुसल का प्रोग्राम और जितने भी धार्मिक रस्में हैं वो रात में होती है। तो हमने जरिए कलेक्टर साहब महोदय अजमेर से अशोक हमारे यहाँ लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से एक निवेदन किया है, एक सिफारिश किया है कि इस दरगाह के उर्स के अंदर रात्रि के अंदर सायरीनों को और सभी लोगों को अंदर दरगाह में रहने की अनुमति प्रदान की जाए और इसमें थोड़ी सी छूट दी जाए। दूसरी एक मुख्य हमने मांग ये रखी है कि जो लोगों की मन्नत और आस्था का प्रतीक होता है, जो पूरे साल से लोग कहते हैं कि भाई हमें दरगाह शरीफ में आके चादर पेश करनी है, उस चादर पेश करने का भी रोक लगी हुई है, तो हमारी उनसे निवेदन है कि चादर पेश करने की भी परमिशन दी जाए। आपको याद होगा कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी जी ने एक चादर हमारे शीर्ष नेतृत्व को और राजस्थान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी के साहब को, सारे राजस्थान के बड़े बड़े मुख्य लीडरों ने अजमेर दरगाह शरीफ में चादर पेश करने के लिए सौंपी है। वो चादर भी 5 तारीख को यहाँ पर चढ़ने के लिए आएगी। तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि इस चादर चढ़ाने की भी परमिशन लोगों को दी जाए ताकि उनकी आस्था बनी रहे।